नमस्कार, मैं हूँ साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 फरवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता के तहत जीत सकते हैं लाख रुपए तक का इनाम। धूप खिलने के कारण प्रदेश में ठंड से मिली राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अंतरिम बजट किया पेश। मुख्य बातों पर डाले एक नजर। आपका मोबाइल असली है या नकली, ऐसे करें जांच। आज के टेस्ट मैच में अश्विन तोड़ सकते हैं रिकॉर्ड। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट के पदों पर निकाली भर्ती। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती 300 पदों पर आई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.newindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में ₹850 देने होंगे। वहीं जो उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से अपना संबंध रखते हैं, उन्हें इसके लिए ₹100 देने पड़ेंगे। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रखी हो। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता के तहत जीत सकते हैं लाख रुपए तक का इनाम। यदि आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के शौकीन हैं, तो प्रदेश में चल रहे जन भागीदारी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसे लेकर IPRD बिहार ने भी अपनी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट को शेयर किया है। हर शुक्रवार को प्रतियोगिता की अलग अलग थीम eadvtprd.bihar.gov.in जैन भागीदारी पर जारी कर दी जाएगी। इस साप्ताहिक रूप से चल रहे वीडियोग्राफी प्रतियोगिता में जो लोग प्रथम स्थान पर आएंगे, उन्हें ₹1,00,000 तक का इनाम दिया जाएगा और तीसरे स्थान पर आने वाले लोगों को ₹25,000 का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 100 लोगों के बीच ₹1,000 का प्रेरणा पुरस्कार वितरण किया जाएगा। वहीं फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की बात करें तो प्रथम को 25,000, द्वितीय को 10,000 और तीसरे नंबर पे आने वालों को ₹5,000 दिए जाएंगे। इसके साथ ही 100 लोगों को प्रेरणा पुरस्कार के रूप में ₹1,000 दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अंतरिम बजट किया पेश। मुख्य बातों पर डाले एक नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गुरुवार को नए संसद भवन में बजट पेश किया। इसमें लोगों को सौगात दी गई है, कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 22% किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हो चुका है, जबकि 2 करोड़ घर 5 साल में बनाया जाएगा। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को लाभ मिलेगा। यात्रियों के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में बदला जाएगा। लोगों को हर महीने 300 यूनिट बिजली दी जाएगी। महिलाओं की उद्यमशीलता में 28% की बढ़ोतरी हुई है। 3 नए रेल कॉरिडोर को बनाया जाएगा। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा से लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी अब आयुष्मान भारत का लाभ पहुंचेगा। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। वहीं बिहार की बात करें तो यहां के लोगों को 7500 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। इसे चुकाने के लिए 50 साल का समय दिया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रोहिणी भाटे के बारे में। रोहिणी भाटे का जन्म 14 नवंबर साल 1924 में बिहार के पटना में हुआ था। ये पेशे से एक शास्त्रीय नृत्य कलाकार, शिक्षिका, लेखिका और शोधकर्ता थी। इन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य में
अपनी कला को निखारा। जयपुर और लखनऊ घराने से इन्होंने कथक की विद्या ग्रहण की थी। इन्हें इनके क्षेत्र में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप आदि शामिल है। पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना रोहिणी की ओर से की गई थी। 10 अक्टूबर साल 2008 में इन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में दुनिया को अलविदा कह दिया था। बिहार में भूमि अधिग्रहण का मामला देखेंगे आयुक्त। सड़क निर्माण के लिए जल्दी मिलेगी जमीन। बिहार में एनएच के निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवादों का निपटारा अब प्रमंडल आयुक्त की ओर से की जाएगी। इस मामले में भूमि सुधार विभाग की ओर से सभी समर्थताओं, जिला भू अर्जन अधिकारी और भू अर्जन के सक्षम प्राधिकार को पत्र लिखा गया है। बताया जाता है कि कई बार जमीन के अधिग्रहण से जुड़े मामलों में जमीन की कीमत सहित अलग अलग मुद्दों पर जमीन मालिक और सरकार के बीच विवाद होता है। इस कारण परियोजनाओं में भी देरी हो जाती है। वहीं अब सड़क निर्माण के लिए जमीन मिलने में देरी नहीं होगी। बिहार में फर्जी शिक्षकों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। दर्जनों शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार। बिहार में फर्जी शिक्षकों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में खगड़िया में बिहार लोक सेवा आयोग से पहले चरण में बहाल हुए शिक्षकों को थंब इम्प्रेशन के लिए बुलाया गया था। इसमें टीचरों के फोटो के साथ ही बायोमेट्रिक की भी जांच की गई। इसमें एक फर्जी शिक्षक पकड़ा गया है। इसका नाम मिथुन कुमार है। थंब इम्प्रेशन नहीं मिलने पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। इधर मुजफ्फरपुर में दर्जनों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। कई शिक्षकों की डिग्री को जांच के लिए भेजा गया है। वहीं भागलपुर में फर्जी शिक्षकों पर केस दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है। अलग अलग जिलों में वेरिफिकेशन के दौरान टीचर पकड़े जा रहे हैं। सिर्फ एक क्लिक पर हजारों सरकारी स्कीम की मिलेगी जानकारी। वेबसाइट लॉन्च। सरकार की ओर से लोगों के फायदे के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जाती है। कई ऐसी योजनाएं भी होती है जिसका जानकारी लोगों को नहीं होने के कारण लाभ नहीं उठा पाते हैं। वहीं अब सिर्फ एक क्लिक से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली जा सकती है। सरकार ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। योजनाओं की जानकारी के लिए www.myscheme.gov.in पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सर्च बॉक्स में स्कीम का नाम डालकर सर्च करना होगा। इस एक जगह पर 1500 से अधिक सरकारी योजनाओं की जानकारी ली जा सकेगी। मालूम हो कि इस एक वेबसाइट पर तमाम योजनाओं की लिस्ट भी देखी जा सकती है। बिहार में 13 कार्यपालक दंडाधिकारी का हुआ तबादला। नई सरकार में ट्रांसफर का दौर जारी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाया है। इसके बाद ट्रांसफर का सिलसिला जारी है। राज्य में 13 कार्यपालक दंडाधिकारी का तबादला किया गया है। इससे पहले भी 2 आईएएस और 73 डीएसपी और बिहार प्रशासनिक सेवा के 158 अधिकारियों का तबादला हुआ था। दूसरी ओर 168 इंस्पेक्टर को डीएसपी को प्रमोशन भी दिया गया है। आपको बता दें कि दानापुर की कार्यपालक दंडाधिकारी कुमारी प्रतिमा गुप्ता को वैशाली भेज दिया गया है। वहीं सासाराम के कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रमा राम का ट्रांसफर दानापुर हो चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसके लिए अधिसूचना जारी की गई थी। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे के बारे में। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा बिहार के कटिहार जिले के बरारी प्रखंड में स्थित सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का है। बिहार में ये गुरुद्वारा सिख सर्किट से जुड़ा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जब असम से पटना वापस आ रहे थे तब उनका ठहराव बरारी कांत नगर में हुआ था। यहाँ ठहरने के दौरान उन्होंने कई लोगों के बीच अपने धर्म संबंधी उद्देश्य दिए थे। इस गुरुद्वारे में पूरे देश भर से सिख समुदाय के लोग मत्था टेकने पहुंचते हैं। इस गुरुद्वारे में आपको हुक्मनामा भी रखा देखने को मिलेगा। सिख समुदाय से कई लोग इसे देखने के लिए आते हैं।
बकाया नहीं जमा करने पर संपत्ति होगी कुर्क, नगर निगम ने दिया अल्टीमेटम। पटना में नगर निगम ने बकाया नहीं जमा करने पर संपत्ति कुर्क करने का नोटिस जारी किया है। 220 बड़े बकायादारों की संपत्ति को कुर्क करने का नोटिस जारी हुआ है। इनका 5,22,00,000 रुपए बकाया है। 5 से 20 फरवरी तक नगर निगम कार्रवाई करेगा। इसके लिए जिला प्रशासन से पुलिस बल उपलब्ध कराने को कहा गया है। आपको बता दें कि कर के भुगतान को नहीं करने पर संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है। वहीं संपत्ति कर भुगतान और निर्धारण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल www.pmc.bihar.gov.in पर घर बैठे ही संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है। निगम के कार्यालय में भी भुगतान की सुविधा है। संजय मिश्रा ने चकाचौंध से दूर शांत जगह पर बनवाया फार्म हाउस, बोले मुंबई में नहीं लगता मन। एक्टर संजय मिश्रा ने चकाचौंध से दूर शांत जगह पर अपना फार्म हाउस बनवाया है। फिलहाल इसका निर्माण कार्य जारी है। ये फार्म हाउस मुंबई से 140 किलोमीटर दूर स्थित है। एक्टर संजय मिश्रा ने कहा है कि उन्हें मुंबई में मन नहीं लगता है। 2 एकड़ में इसका निर्माण किया जा रहा है। इस फार्म हाउस में सब्जियां और पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं। संजय मिश्रा कहते हैं कि वो हमेशा से ही गांव वाली लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला था। अब जाकर उनका ये सपना पूरा हुआ है। एक्टर ने यहाँ एक कुटिया नुमा छोटा सा घर भी बनाया है। इसे बनाने में सिर्फ लकड़ी का यूज किया गया है। धूप खिलने के कारण प्रदेश में ठंड से मिली राहत। बिहार में ठंड का सितम भले ही पहले से थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन तेज हवा के कारण कनकनी अभी भी जारी है। हालांकि प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की स्थिति भी बन सकती है। इसके साथ ही 3 फरवरी तक नया पश्चिमी विक्षोभ आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे मौसम में और भी थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। IMG बिहार के मुताबिक आज का मौसम शुष्क रहने वाला है। तापमान में पहले के मुकाबले बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 से 12 डिग्री तक रहने की आशंका जताई गई है। गोपालगंज में SBI ATM को गैस कटर से काटकर 23,00,000 से अधिक रुपए की चोरी। बिहार के गोपालगंज में SBI बैंक की ATM मशीन को काटकर 23,51,600 रुपए की चोरी हो गई। मीरगंज थाना क्षेत्र के नरनिया SBI के पास की ये घटना है। गुरुवार को इस घटना की जानकारी सामने आई और इस जानकारी के सामने आते ही पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। DM मकसूद आलम और इनके साथ SP स्वर्ण प्रभात ने घटना स्थल पर पहुंचकर इस मामले की छानबीन की। SP ने इस मौके पर कहा कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा और इसके साथ ही कैश को भी रिकवर किया जाएगा। इसके लिए SIT का गठन किया गया है और पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। साइबर अपराधियों का लखीसराय पुलिस ने किया पर्दाफाश। बिहार पुलिस एक बार फिर से साइबर अपराधियों का पर्दाफाश करने में सफल हुई है। दरअसल ये कामयाबी लखीसराय साइबर थाना पुलिस को मिली है। पुलिस ने इस अपराध से जुड़े 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। इन 2 अपराधियों में 2 नालंदा का रहने वाला है, जो कार्यपालक सहायक की नौकरी करता है। इन शातिरों के ठिकानों से पुलिस ने लैपटॉप, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, स्कैनर और कई बैंक के पासबुक समेत चेक, ATM कार्ड और मोबाइल आदि को बरामद किया है। ये अपराधी प्रतियोगी परीक्षा में नौकरी और ऑनलाइन सट्टेबाजी और इसके साथ ही आम लोगों के बैंक खाता खुलवाकर ठगी का काम करते थे। आपको बता दें कि इस मामले की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SP पंकज कुमार ने साझा की है। बिहार में सियासी हलचल तेज। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। बिहार में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर से राजभवन में मुलाकात की है। इसके बाद संभावना जताई जा रही कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर यह मुलाकात हुई है। मालूम हो कि NDA की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है।
बिहार में 8 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन इनके विभाग का अभी तक बंटवारा नहीं किया गया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर लालू यादव ने दी प्रतिक्रिया, बोले भाजपा का डर जग जाहिर। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि झारखंड की लोकप्रिय सरकार के जनप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाह सरकार प्रताड़ित कर रही है। भाजपा के ये घिनौने हथकंडे अल्प समय के लिए परेशान तो कर सकते हैं, पर पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक और हाशियों पर रहने वाले समूहों के संकल्प और महत्वाकांक्षाओं को पराजित नहीं कर सकते हैं। भाजपा का डर जग जाहिर है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद हुआ सर्वे, कई पार्टियों को नुकसान की जताई गई संभावना। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी कर ली है। इसके बाद नए सर्वे की रिपोर्ट जारी हुई है। एनडीटीवी प्रश्न सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन को छोड़ने के बाद विपक्षी दलों को आगामी चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं जेडीयू के एनडीए में आने से इसे काफी फायदा होगा। सर्वे के अनुसार नीतीश कुमार के वोटर अब एनडीए से जुड़ चुके हैं। इस सर्वे में 53% लोगों ने जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को सपोर्ट किया है। वहीं जेडीयू और कांग्रेस की महागठबंधन की सरकार को 23% वोट मिले हैं। आपको बता दें कि राज्य के अलग अलग इलाकों में 4000 से अधिक लोगों पर सर्वे हुआ है। न्यायिक हिरासत में हेमंत सोरेन, ईडी ने मांगी 10 दिन की रिमांड। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया है। बुधवार को कोर्ट में इनकी पेशी हुई। कोर्ट से ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी। वहीं सुनवाई करते हुए फिलहाल कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। पेशी से पहले कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। कोर्ट परिसर में हेमंत सोरेन ने मौजूद लोगों का मुस्कुराकर अभिवादन भी किया। प्रधानमंत्री को पप्पू यादव ने बताया किसान विरोधी, पूर्णिया में विशाल जनसभा को किया संबोधित। पूर्णिया में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने लोगों से आशीर्वाद लिया और उनकी परेशानियों पर बातचीत की। जाप सुप्रीमो ने कहा कि लोगों की बदहाली का कारण यहां के नेता और इंस्पेक्टर राज है। इसे कोई नेता नहीं बल्कि आपका बेटा बदलेगा। किसानों को हो रही परेशानी को लेकर पप्पू यादव ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा और जदयू साथ है तो किसानों का भला नहीं हो सकता। यहाँ किसानों को सिंचाई, खाद, बीज और अनुदान सही समय पर नहीं मिल रहा है। आज के टेस्ट मैच में अश्विन तोड़ सकते हैं रिकॉर्ड। आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाने वाला है। आज के इस टेस्ट मैच में कई रिकॉर्ड अपने नाम करने का भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के पास अच्छा मौका है। यदि आज के इस टेस्ट मैच में वे 4 विकेट अपने नाम कर लेते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में वह अपने नाम 500 विकेट कर लेंगे। इसके साथ ही 500 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में अश्विन का नाम भी जुड़ जाएगा। हालांकि अभी इन्होंने 96 टेस्ट मैचों में 496 विकेट लिए हैं। मालूम हो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर्स में रविचंद्रन अश्विन का नाम भी शामिल है। इससे पहले भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने अपने 105 मैच में 500 टेस्ट विकेट हासिल किए थे। यदि अश्विन आज 4 विकेट लेते हैं तो वे कुंबले को भी पछाड़ कर आगे बढ़ जाएंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन साल 1509 में भारत में दीव के पास पुर्तगाल और तुर्की के बीच युद्ध हुआ था। आज के ही दिन साल 1788 में देश में प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स नियामक अधिनियम को लागू किया गया था। आज के ही दिन साल 1814 में कलकत्ता संग्रहालय की स्थापना हुई थी। आज के ही दिन साल 1862 में शंभुनाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश बने थे। आज के ही दिन साल 1952 में मद्रास में भारत ने पहला टेस्ट क्रिकेट जीता था। साल 1953 में आज के ही दिन अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन हुआ था।
आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे पीएम मोदी द्वारा दिए जा रहे 3 महीने की फ्री रिचार्ज के बारे में। इंटरनेट के इस जमाने में सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें हैं जो वायरल हो जाती है, लेकिन सभी सच नहीं होती है। अब इसी कड़ी में इन दिनों व्हाट्सएप पर एक खबर खूब वायरल हो रही है। इस खबर के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आम लोगों को 3 महीने का फ्री रिचार्ज दे रहे हैं। इस रिचार्ज को पाने के लिए एक लिंक भी दिया गया है, जिसे क्लिक कर इसका फायदा उठाने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब हमने इस खबर की पड़ताल पीआईबी फैक्ट चेक पर की तो हमने पाया कि ये दावा पूरी तरीके से फर्जी है। इसके साथ ही पीआईबी द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार इस तरह की कोई भी स्कीम नहीं चला रही है, इसलिए इस तरह के खबरों के चक्कर में नहीं पड़े। आपका मोबाइल असली है या नकली, ऐसे करे जांच। इन दिनों लोगों के बीच मोबाइल फोन का चलन काफी बढ़ा है। हम इस पर इतने निर्भर हो गए हैं कि आम दिनों के कई काम इसके बिना पूरे ना हो पाए, लेकिन इन दिनों बाजार में मोबाइल फोन के क्रेज को बढ़ता देख नकली फोन भी बेचे जा रहे हैं। आप भी कहीं इस तरह के फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ जाए, इसलिए आइए हम आपको बताएंगे कि आप असली और नकली मोबाइल फोन की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर KYM लिखना होगा, फिर यहाँ स्पेस देकर 15 डिजिट के IMEI नंबर को डालें और इसके बाद 1442 नंबर पर इस मैसेज को भेजें। मैसेज के भेजने के बाद रिप्लाई में IMEI इज वैलिड आया, तो इसका मतलब है कि आपका मोबाइल फोन असली है। CBSE कर सकता है बड़े बदलाव, 12वीं में 5 की जगह 6 विषय में पास होना जरूरी। CBSE बड़े परिवर्तन की तैयारी में जुटी हुई है। 12वीं और 10वीं के शैक्षणिक ढांचे में बदलाव होगा, इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके मुताबिक 10वीं के परीक्षार्थियों को 5 की जगह 10 विषयों के पेपर देने पड़ेंगे, सभी में पास होना भी जरूरी होगा, 2 की जगह 3 भाषाएं पढ़नी होगी। वहीं 12वीं की बात करें तो इसमें 5 की जगह 6 विषयों में पास होना जरूरी हो जाएगा। नई प्रणाली के अनुसार पढ़ाई के लिए घंटों का भी निर्धारण किया जाएगा। नीतीश के एनडीए में शामिल होने पर अनुराग ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने से फायदा होगा या नहीं, इसे लेकर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के आने से बिहार को फायदा होगा और जंगल राज हटेगा, उसके साथ ही बिहार का विकास भी होगा। उन्होंने साल 2020 के चुनाव की चर्चा करते हुए कहा है कि जदयू और बीजेपी ने बिहार में 7 चुनाव लड़ा था। बीजेपी को जदयू से अधिक सीटें मिली, बावजूद उसके उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। वहीं इंडिया गठबंधन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस की नियत में खोट है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? ए कृषि मंत्रालय, बी जलवायु मंत्रालय, सी रेल मंत्रालय या फिर डी संस्कृति मंत्रालय? इसका सही उत्तर है संस्कृति मंत्रालय। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने हीम तेंदुए मौजूद है? ए 655, बी 716, सी 718 या फिर डी 750? सही उत्तर है 718। 72वीं अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ए जम्मू कश्मीर, बी दिल्ली, सी लखनऊ या फिर डी उड़ीसा?
इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में होता है? ए 50%, बी 60%, सी 75% या फिर डी 90%। इसका सही जवाब है डी 90%। बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयां कहाँ स्थित है? ए भागलपुर, बी पटना, सी नालंदा या फिर डी वैशाली। इसका सही जवाब है भागलपुर। बीते दिन हमारी ओर से पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद शाकिर हुसैन, रवि कुमार, राम सुकुमार सिंह, सादुल्लाह पालवी, भरत प्रसाद, विनोद चौधरी, अतीक खान, उमेश ऋषि देव, नुन्नू गोलू कुमार, सोनी राय, श्यामानंद चौधरी, मुकेश अभिषेक कुमार, कुश कुमार यादव, परवेश गुप्ता, रवि शंकर अहमद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। हमारा आज का सवाल है कि आपके अनुसार बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद किस पार्टी को फायदा मिलेगा? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना नहीं भूले। धन्यवाद।